परिवर्तन यात्रा में शामिल होने राजनांदगांव जा रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव रविवार की सुबह खुर्सीपार थाना के सामने धरना स्थल पर पहुंचकर मृतक मलकीत सिंह उर्फ वीरू के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव न्याय दिलाने की आश्वासन दिलाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस जिले से मुख्यमंत्री हो, जिस जिले से गृह मंत्री हो, उस जिले में इस प्रकार से एक 32 वर्षीय निर्दोष निहत्थे युवक की बेदर्दी से जो हत्या हुई है, ये छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं, छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, इस बात को बताता है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। 32 वर्षीय युवक मलकीत सिंह जिस बेरहमी और बेदर्दी से एक निर्दोष युवक की हत्या हुई है और जो बात सामने आ रही है गदर फिल्म के पाकिस्तान मुर्दाबाद के विषय को लेकर ये हत्या हुई है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रत्यक्ष दर्शियों से भी मेरी बातचीत हुई, उनके पिता से भी मैंने बात की, घटना की पूरी जानकारी ली है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और उस जिले के अंदर जिस जिले से मुख्यमंत्री हो, जिस जिले से गृह मंत्री हो, उस जिले में इस प्रकार से एक 32 वर्षीय निर्दोष निहत्थे युवक की बेदर्दी से जो हत्या हुई है, ये छत्तीसगढ़ के क्या हालात है, छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, इस बात को बताता है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जितने भी दोषी है, प्रत्यक्षदर्शी 8 लोगों के द्वारा ये घटना करना बताया है, उन सभी की गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और फास्ट ट्रैक करके इसकी सुनवाई हो। ये कोई सहज घटना है, सामान्य घटना नहीं है कि घटना के बाद जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बॉडी पर नाचे हैं, कूदे हैं, उनकी सोच कितनी आपराधिक सोच के वो लोग होंगे, कितना गंभीर कृत्य उन्होंने किया है, ये बताता है। ऐसी सोच को कुचलने की आवश्यकता है और इसलिए पीड़ित परिवार को न्याय मिले, सिख समाज के इस आंदोलन में, न्याय की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ है, पूरी ताकत से न्याय के लिए। मलकीत सिंह के परिवार को न्याय मिले, उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी जल्दी से जल्दी सजा मिले, इसके लिए हम हर संभव मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था इस सरकार संभाल नहीं पा रही है, ये सरकार को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी सरकार को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। पीड़ित पक्ष को, गरीब लोग हैं, 50 लाख का मुआवजा सरकार दे, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, इसलिए उन्हें शासकीय नौकरी दे और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी सजा हो, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से पीड़ित परिवार और सिख समाज के साथ खड़े हैं।